अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आखिर कहां चली गई वो? कितनी सड़क नापेंगे ऐसे किसी अनजान से, इसको कहां ढूंढेंगे? भाई तुम्हें हुई है गलतफहमी, वो लड़की मीरा नहीं हो सकती। जैक्सन झूठ बोल रहा है क्या? पार्थ भाई वो सिर्फ एक डॉग है, उसकी बात का क्या भरोसा? शिवम जैक्सन के बारे में ना कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे, और डॉग्स जो देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं वो इंसान नहीं देख सकते। हमारा दिल बोल रहा है मीरा यहीं आसपास है कहीं। पार्थ तुम्हारे लगने से हम प्रयागराज के हर घर गली कूचे में ढूंढे? भाई हमारी बात समझने की कोशिश करो, इतने बड़े शहर में ऐसे किसी को ढूंढना इम्पॉसिबल है। हमें पता है कैसे मिलेगी। किसी की टूटी हुई चूड़ियां लेके घूम रहा है और उसको ये लग रहा है कि वो मीरा है। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मीरा, आप कितनी प्यारी है मीरा, हमें बचाने के लिए आप अलमारी में छिप गई। हम आपको नहीं रुद्र, पार्थ को बचाने के लिए अलमारी में छुपे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितने खतरनाक हैं और आप किस हद तक जा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पार्थ को जरा सा भी नुकसान पहुंचे। पार्थ को तो हम मारते, पर अगर आज देविका ने आपको देख लिया होता ना तो उसकी भी जान चली जाती। देखिए मेरा, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, अगर आपके जानने वाले ने किसी ने भी आपको देखा ना तो उसे अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। फिर हमें दोष मत देना, और वैसे अब यह शहर आपके लिए सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। वो देखो, रुको, हमने कहा था ना हमारे करीब आ रही है, अच्छे से देखना, आगे बढ़ाओ। देखो ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारे पास आके हमसे कुछ कहना चाहती है, और अचानक से बीच में रुक गई और वापस घूमी और लड़खड़ा भी गई थी, हमने संभाला उसे लेकिन हमें धक्का देके चली गई। लेकिन अगर ये मीरा भाभी थी तो वो ऐसे छुप छुप करके जा रही है सबसे, मतलब ऐसे छुपने की जरूरत क्या है? और वो सब छोड़ो, तो अगर वो यहाँ पर आई थी तो वो उनके पापा या उनकी बहन से तो मिलती ही ना, ऐसे वापस क्यों जाएगी मीरा मिले? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है ना शायद उसकी फैमिली के कोई रिलेटिव हो। वो सब ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में इतना लंबा घूंघट कौन करता है? और वैसे भी हमारे दिल को एहसास हो रहा था कि वो मीरा है। हम बहुत दुखी थे वहां पे, तकलीफ हो रही थी हमें, लेकिन जैसे ही हमने इस लड़की को देखा ना हमें अजीब तरह की खुशी महसूस हुई, अजीब सी उमंग जागी दिल में, ऐसा लगा जैसे कोई बरसों पुराना साथी मिल गया हो, ऐसा लगा जैसे हमारी रूह को ना सुकून मिला हो। वेद पार्थ भाई तुम्हारे इन एहसास से कुछ साबित तो होता नहीं है, और इन सारे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? फिर पता है हमें,
कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। अगर ये मीरा है तो इसे छुपने की क्या जरूरत थी हमसे? कोई तो ऐसी बात है जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, और अगर ये मीरा है ना तो हम कैसे भी करके उसे ढूंढ निकालेंगे। अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।